हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के जो बेसिक्स है उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की थी। आप आई बेल आइकन पे जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो देख सकते हो। एंड पूरा कास्टिंग का सीरीज़ एंड वेल्डिंग का सीरीज़ भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में। तो उसमें बेसिकली स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग एंड सीम वेल्डिंग, ये चार जो है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं स्पॉट वेल्डिंग एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग के बारे में, ठीक है। तो अगर स्पॉट वेल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे स्पॉट में वेल्ड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ए स्पॉट वेल्डिंग। अब स्पॉट वेल्डिंग में एक्चुअली ये जो वेल्ड है वो फ्यूजन टाइप हम बोल सकते हैं, फ्यूजन टाइप वेल्डिंग है, ठीक है। फ्यूजन टाइप वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, हीट जनरेट करते हैं, ओके। अब हीट यहाँ पे कैसे जनरेट करनी है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का यूज़ करके हमें हीट जनरेट करनी है। क्या करेंगे हम, रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे। अब रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस करना है वो हम यहाँ पे ये सर्किट के थ्रू देखते हैं। ये फिगर आपको एग्जाम में ये फिगर एंड ये फिगर कंपलसरी ड्रॉ करना है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सप्लाई यूज़ होता है वो है एसी सप्लाई, यहाँ पे डीसी सप्लाई यूज़ नहीं होता, क्योंकि एसी सप्लाई में हम क्या कर सकते हैं, स्टेप डाउन एंड स्टेप अप वोल्टेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम स्टेप डाउन वोल्टेज यूज़ करेंगे, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करता क्या है, तो वो जो वोल्टेज है हमारे घर का जो वोल्टेज है वो जनरली 220 से 240 हम बोल सकते हैं कि उतना होता है। तो वो जो है वो 1 से 30 वोल्ट तक ये लो कर देता है। एंड जो करंट होता है वो 3000 से 1 लाख, ओके। तो ये करंट जो है वो 3000 से 1 लाख जितना ज़्यादा कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली स्पॉट वेल्डिंग की अगर हम बात करें तो उसमें जो करंट यूज़ होता है वो ऑलमोस्ट 10,000 एम्पियर जितना होता है। तो ये था एसी सप्लाई एंड ट्रांसफार्मर के बारे में। उसके बाद आप लिखो कि यहाँ पे जो कॉपर है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर का यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि कॉपर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा रहती है, ठीक है, कॉपर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब सिर्फ कॉपर होगा उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत वीक होता है, इसीलिए उसमें अलॉय एलिमेंट्स हमें ऐड करना पड़ता है, इसीलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कॉपर अलॉय, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रोड है, अपर इलेक्ट्रोड एंड लोअर इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाते हैं, जिसमें लोअर इलेक्ट्रोड जो है वो फिक्स रहता है एंड अपर इलेक्ट्रोड जो है वो मूवेबल रहता है, ठीक है, वो अप एंड डाउन यहाँ पे मूवमेंट उसकी हो सकती है। तो यहाँ पे प्रोसेस कैसे होती है स्पॉट वेल्डिंग की वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो अपर इलेक्ट्रोड है वो डाउन साइड आएगा और यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेगा, प्रेशर अप्लाई। उसके बाद प्रेशर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे करंट ऑन होगा, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए करंट ऑन होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है होल्ड करना है हमें, ठीक है। उसके बाद करंट ऑफ कर देंगे एंड उसके बाद जो है हमने प्रेशर दिया है उसको रिलीज कर देंगे, तो यहाँ पे जो है वो वेल्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस करना है, तो वो रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस होगा वो भी मैंने डिटेल में जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग का जो बेसिक्स है उसके उसमें बताया है, ठीक है। स्पॉट वेल्डिंग में आप वो डिटेल में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। उसके बाद एडवांटेज की बात कर लेते हैं, तो लो कॉस्ट ऑफ द मशीन, देन कॉस्ट इज लो, देन वेल्डिंग स्पीड इज हाई, लेस स्किल ऑपरेटर होगा तो भी चलेगा, देन यूनिफॉर्मली प्रोडक्ट इज वेरी हाई, ओके। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ऑपरेशन में भी मेड ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक कर सकते हैं हम, एज प्रिपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये उसके एडवांटेज है। लेकिन एप्लीकेशन की बात करें तो यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, मैनी असेंबलीज ऑफ टू और मोर शीट मेटल स्टैम्पिंग दैट डू नॉट रिक्वायर गैस टाइट और लिक्विड टाइट जॉइंट कैन बी मोर इकोनॉमिकली, मतलब कि कोई अगर शीट है उसमें हमें गैस टाइट जॉइंट नहीं चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए ये स्पॉट वेल्ड बहुत ही बोल सकते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद स्पॉट वेल्डिंग ऑफ 12.5 mm, आप देख सकते हो फ्रेंड्स थिकनेस ही बहुत बढ़िया थिकनेस हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, 12.5 mm थिक शीट प्लेट हैज़ बीन डन सेटिस्फैक्टरी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बाकी सारे जो वेल्डिंग है लाइक सीम वेल्डिंग, तो उसमें इतनी थिकनेस हम नहीं ले सकते, ठीक है।
ओके तो अब बात करते हैं सीम वेल्डिंग में। तो जैसे हमने स्पॉट वेल्डिंग में देखा वैसे ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड था उसमें हम व्हील यूज करेंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ रोड जो इलेक्ट्रोड था, रोड मतलब आगे जो हमने इलेक्ट्रोड इस तरह से ये इस टाइप के रोड यूज किए थे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम व्हील यूज करेंगे एज अ रोलर इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो यहाँ पे व्हील यूज करेंगे रोलर इलेक्ट्रोड। सप्लाई जो है वो यहाँ से मिलेगा एसी सप्लाई, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर आएगा, ओके। उसके बाद आप ये जो देख रहे हो ये कूलेंट सप्लाई के लिए है, ठीक है। तो अगर आपको ये रोलर की स्पीड बढ़ानी है तो आपको कूलेंट सप्लाई ऑन कर देना पड़ेगा ताकि ये जो है वेल्डिंग रोड वो इतना गर्म ना हो, तो इसीलिए यहाँ पे कूलेंट सप्लाई करना पड़ेगा। अब थोड़ा बहुत इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस वेयर द कोलिजन्स, कोलिजन्स मतलब कि यहाँ पे दो मेटल पिघल के जुड़ जाती है उसको कोलिजन्स बोलते हैं। कोलिजन्स एट द सरफेस इज प्रोड्यूस बाय हीट ऑब्टेन बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वर्क पार्ट हेल्ड टूगेदर अंडर द प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोड। ये सेम आएगा फ्रेंड्स सब जगह, आपको सिर्फ ध्यान देना है फिगर पे। स्पॉट वेल्डिंग की फिगर है, ये सीम वेल्डिंग की फिगर है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या होता है यहाँ पे सीम वेल्डिंग में। तो यहाँ पे मल्टीपल स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक स्पॉट वेल्डिंग होता जाता है होता जाता है। उसके बाद ये पूरा जो है वो फ्लूड टाइट जॉइंट हम बोल सकते हैं कि गैस टाइट या फ्लूड टाइट जॉइंट हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रिजल्टिंग ऑफ वेल्ड इज अ सीरीज ऑफ ओवरलैपिंग रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग मेड प्रोग्रेसिवली अलोंग अ जॉइंट बाय रोटेटिंग द सर्कुलर इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये था सीम वेल्डिंग के बारे में। इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो कौन कौन से मटेरियल हम सीम वेल्डिंग कर सकते हैं, तो लो कार्बन, हाई कार्बन एंड लो अलॉय स्टील हम यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम, निकल, मैंगनीज एंड देयर अलॉयज कैन बी डन। तो ये जो मटेरियल है वो हम सीम वेल्डिंग से इजीली कर सकते हैं। देन ग्रिट वेल्ड कैन बी मेड स्क्वायर, राउंड एंड रेक्टेंगुलर पार्ट, ओके। इस तरह के पार्ट जो है उसको भी हम वेल्ड कर सकते हैं। देन मटेरियल दैट कैन दैट मे बी सीम वेल्डेड इंक्लूडेड मोस्ट ऑफ दोज मे बी स्पॉट वेल्डिंग, जो भी स्पॉट वेल्ड कर सकते हैं वो सीम वेल्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या है, तो गैस टाइट, जैसे मैंने आपको कहा कि गैस टाइट और लिक्विड टाइट जॉइंट हम क्रिएट कर सकते हैं। स्पॉट वेल्डिंग में क्या हो, एक दूसरे के साथ करेंगे तो ओवरलैप होगा, ठीक है, यहाँ पे ओवरलैप नहीं होगा। अ सिंगल सीम वेल्ड और सेवरल पैरेलल सीम्स मे बी प्रोड्यूस, मतलब कि अगर ये सीट है उसके ऊपर यहाँ पे दूसरी सीट लगाई है तो उसके ऊपर आप दो यहाँ पे भी सीम वेल्ड किया और यहाँ पे भी सीम वेल्ड किया, यानी कि मल्टीपल आप सीम वेल्ड कर सकते हैं। डिसएडवांटेज देख लेते हैं, तो वेल्डिंग कैन बी परफॉर्म ओनली अलोंग द स्ट्रेट और यूनिफॉर्मली कर्व लाइन, ओनली अलोंग द स्ट्रेट, या तो अगर सर्कल है तो एक व्हील इधर रहेगा एक व्हील नीचे रहेगा और ये इसको हम रोटेट करते जाएंगे, तो यूनिफॉर्मली होना चाहिए, अगर कर्व है तो यूनिफॉर्मली कर्व होना चाहिए। इट इज़ डिफिकल्ट टू वेल्ड अ वर्क पीस विथ थिकनेस ग्रेटर देन, ये इंपॉर्टेंट है। स्पॉट वेल्ड में क्या था फ्रेंड्स, 12 mm था, यहाँ पे क्या है 3 mm, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि सीम वेल्ड जो होता है वो 3 mm उसकी लिमिट है, उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। उसके बाद अवॉइड द ऑब्स्ट्रक्शन अलोंग द पाथ ऑफ द व्हील ड्यूरिंग द वेल्ड, मतलब कि यहाँ पे समझ लो कि यहाँ से सीम वेल्डिंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बीच में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो वो हमें अवॉइड कर देना है, ठीक है। अ चेंज इन द डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रोड विल बी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे एक दूसरी बात भी है कि सपोज आपको इतना पोर्शन वेल्ड करना है फिर इतना नहीं करना है, फिर इतना वेल्ड करना है इतना नहीं करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपका जो सीम व्हील होगा, मतलब जो व्हील जो होगा इलेक्ट्रोड, उसमें इस तरह से कुछ डिज़ाइन कर सकते हो, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक वेल्ड होगा, फिर इतने पोर्शन में वेल्ड नहीं होगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, तो उस हिसाब से हमको व्हील डिज़ाइन करना पड़ेगा, व्हील इलेक्ट्रोड, ठीक है, ओके। तो ये था एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ सीम वेल्डिंग। तो आई होप फ्रेंड्स आपको स्पॉट वेल्डिंग एंड सीम वेल्डिंग के बारे में नॉलेज मिला होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको आंसर दूंगा। बाकी एग्जाम के लिए जो मैंने अभी आपको बताया वो इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। तो होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खास करके विजिट लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने सारे कास्टिंग एज वेल एज जो वेल्डिंग है उसके वीडियोस रखे हुए हैं, आप वहाँ पे कोई भी वेल्डिंग देख सकते हो,
ठीक है, पूरी सीरीज देख सकते हो। एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी ऑनलाइन घर पे पढ़ सके। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।